अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू सीएस कम्युनिटी। मैं हूं आपका टीचर शफीक अहमद और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं सी प्लस प्लस की फोर्थ क्लास। इस क्लास में आज हम लोग देखेंगे कि डेटा टाइप्स क्या हैं, वेरिएबल्स क्या हैं, वेरिएबल्स को डिक्लेयर कैसे किया जाता है, इनिशलाइज कैसे किया जाता है और वेरिएबल्स के जो नेमिंग कन्वेंशन है उसमें किन किन रूल्स को हमें फॉलो करना चाहिए। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर डेटा टाइप की बात करें तो जैसा कि नाम से ही जाहिर है, डेटा की जो टाइप होगी वही डेटा टाइप कहलाएगी। हम लोगों के पास होता कुछ इस तरह से है कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ डेटा दिया जाता है, उस डेटा से हमने कुछ पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन डिराइव करनी होती है। तो जब तक हमें वो डेटा की टाइप नहीं पता चलेगी हम उससे रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन डिराइव नहीं कर सकते, या अगर हमें नहीं पता होगी तो हम जो इन्फॉर्मेशन डिराइव करना चाह रहे हैं मे बी पॉसिबिलिटी है कि वो हम लोग गलत इन्फॉर्मेशन डिराइव कर लें। इसलिए डेटा की टाइप को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये चीज़ डेटा टाइप्स किस तरह से फाइंड करते हैं और इसका पर्पज़ क्या है, डेटा टाइप क्या है, ये आपको एक सिंपल एग्जाम्पल से बताने की कोशिश करता हूँ। सपोज़ करते हैं कि आपके पास एक क्लाइंट आता है, उस क्लाइंट की एक कंपनी है जिस कंपनी में काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। अब होता ये है कि वो जो एम्प्लॉयर है अपने एम्प्लॉयज़ को वीकली बेसिस पर पे करता है। तो यहाँ पर वो आप लोगों को दो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन या जो डाटा है वो आपको प्रोवाइड करता है, वो ये है कि टोटल नंबर ऑफ आवर्स वीक में कितना, यानी कि टोटल नंबर ऑफ आवर्स जो है किसी एम्प्लॉय ने काम किया है, ठीक है, और पर आवर वो क्या पे ले रहा है, तो आपने उसकी वीकली पे कैलकुलेट करके देनी है, ठीक है। तो आपका टास्क ये है कि आपने एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिसमें हम लोग वीकली पे कैलकुलेट करेंगे दो चीज़ों की मदद से। आप लोगों के पास होंगे टोटल नंबर ऑफ आवर्स पर वीक और जो दूसरी चीज़ है वो है आपके पास पर आवर कितनी पे है उसकी। तो ये दो चीज़ें जो होंगी ये आपको गिवन होंगी, इनकी मदद से आपने थर्ड चीज़ फाइंड करनी है, वो होगी वीकली पे। ये डाटा गिवन है, ये आपने इंफॉर्मेशन डिराइव करनी है। अब होगा क्या, हम सब लोग जानते हैं कि कोई भी कंपनी हो वो कभी भी आपको ये नहीं कहती कि आपने 5.5 आवर्स काम करना है, 6.5 आवर्स काम करना है, वो हमेशा आपको होल नंबर्स में ही काम करना अलाउ करते हैं और पे भी वो होल नंबर्स में ही करते हैं। लाइक अगर आपने किसी भी कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो वो कहेंगे आपने 5 आवर्स काम करना है, 6 आवर्स, 7, 8, 9 एंड सो ऑन, कोई भी नंबर यहाँ पे रिक्वायरमेंट हो सकती है आपके पास, हर कंपनी की डिफरेंट होती है, ठीक है। जनरली हम लोगों के पास 8 आवर्स की ड्यूटी टाइमिंग होती है। अब देखें कि डाटा हम लोगों के पास फ्रैक्शन में नहीं आ रहा, हम लोगों के पास इंटीजर में आ रहा है सारा डाटा। तो ये चीज़ को माइंड में रखते हुए हमें पता चल जाएगा कि ये जो डाटा दिया गया है इसकी टाइप क्या होगी, हम लोगों के पास इंटीजर। तो ये जो डाटा टाइप बनेगी वो बनेगी हम लोगों के पास इंट। दूसरी जो चीज़ है हम लोगों के पास वो है पर आर अमाउंट। अमाउंट में हम लोगों के पास पॉसिबिलिटी आ जाती है कि ये हम लोगों के पास फ्रैक्शन में भी हो सकता है। लाइक वो आपको पे करता है 15.5 पर आर पे कर रहा है आपको, ठीक है, या वो आपको 20.9 डॉलर आपको पे कर रहा है पर आर, ठीक है। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है, ये भी हो सकता है कि वो होल नंबर्स में पे करे, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि अमाउंट है तो ये आपके पास फ्रैक्शन में आ सकती है। तो इस चीज़ को माइंड में रखते हुए आपके पास जो इसकी डाटा टाइप बनेगी वो हमेशा होगी आपके पास फ्लोटिंग या आपके पास फ्लोटिंग पॉइंट डाटा होगा। तो इसकी जो डाटा टाइप बनेगी वो आपके पास होगी फ्लोट, ठीक है। तो ये थी वो चीज़ जिसकी मदद से हम डाटा की टाइप फाइंड करते हैं। ये जो दो चीज़ें थी आपके पास डाटा टाइप्स कहलाती हैं। डाटा टाइप्स कितनी होती हैं वो मैं आपको हिस्ट्री ऑफ सी प्लस प्लस की क्लास में पढ़ा चुका हूँ। ये क्लास सिर्फ इसलिए रखी गई थी ताकि आप लोगों को पता चले कि डाटा टाइप होती क्या है और फाइंड किस तरह से करते हैं और इसका पर्पज़ क्या है, ठीक है। अब पर्पस से आप लोगों को पता चल गया कि हमें क्या चाहिए, कि हम लोगों को जो डाटा दिया गया है वो उसकी टाइप हमने फाइंड की, उस टाइप की मदद से हमें पता चल गया कि जो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमने ड्राइव करनी है वो किस टाइप की होगी, ठीक है। अब वो किस टाइप की होगी उसके बारे में हम कह सकते हैं कि इंट और फ्लोट को
जब भी हम इन दोनों के ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा आपके पास इंट और दरमियान में कोई भी ऑपरेशन आप लगा लें और यहाँ पर इंट और फ्लोट के ऊपर कंबाइन करके जब भी आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो रिजल्ट हमेशा आपके पास फ्लोट ही आएगा। ठीक है, तो अब हमें पता चल गया कि जो इन्फॉर्मेशन हम ड्राइव करेंगे वो हम लोगों के पास किस टाइप की होगी, फ्लोटिंग में, फ्लोटिंग पॉइंट इन्फॉर्मेशन होगी। जो डाटा होगा, जो हम लोगों के पास इन्फॉर्मेशन है उसकी टाइप क्या होगी, फ्लोट में होगी। ठीक है, लाइक हम इस तरह से करते हैं कि कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, हमने 5 आवर्स काम किया, सपोज करते हैं एक वीक में 5 आवर्स काम किया और हमारी जो वीकली पे है वो हम लोगों को मिलती है यू कैन से $5। ठीक है, ये फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है तो 0.0 मैंने लगा दिया है यहाँ पे। तो हमने इस वीक में काम कितना किया, 5 आवर्स, और पर आवर पे कितनी है, $5। तो हम लोगों के पास इंफॉर्मेशन क्या ड्राइव होगी, 5 × 5.0 25.0। ठीक है, तो ये हम लोगों के पास, ये हमने इंफॉर्मेशन जनरेट की है जिसकी टाइप क्या है हम लोगों के पास, ये हम लोगों के पास जो टाइप है ये फ्लोटिंग पॉइंट है। तो नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं वेरिएबल्स की तरफ के वेरिएबल्स क्या हैं, हम इनको डिक्लेयर किस तरह से करते हैं, इनिशलाइज किस तरह से करते हैं और किन रूल्स को फॉलो करते हुए हम वेरिएबल्स के नेम्स लिख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वेरिएबल्स की बात करते हैं कि वेरिएबल्स क्या हैं, हम लोगों के पास वेरिएबल्स को डिक्लेयर कैसे करते हैं, इनिशलाइज कैसे करते हैं और किन रूल्स को फॉलो करते हुए हम लोग वेरिएबल्स के नेम्स लिख सकते हैं या चूज़ कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ कि वेरिएबल क्या है, वेरिएबल हम लोगों के पास एक नेम्ड मेमोरी लोकेशन है कि किसी भी मेमोरी लोकेशन का नाम हम दे देते हैं अपनी तरफ से और उस मेमोरी लोकेशन पर हम अपना डाटा स्टोर करवाते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों के पास दो चीज़ें आएंगी, मोस्टली हम लोग कॉमनली ये बात कहते हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी वैल्यू प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज हो रही हो उसको हम लोग वेरिएबल कहते हैं, एक ये चीज़। दूसरी चीज़ ये कि हम वेरिएबल्स यूज़ क्यों करते हैं, वेरिएबल्स यूज़ करने का पर्पज़ सिर्फ और सिर्फ एक है, वो ये है कि हम लोग डाटा स्टोर करवाना चाहते हैं। क्या होगी, हम लोगों के पास डाटा स्टोरेज, तो मेन पर्पज़ हम लोगों के पास यही है, डाटा स्टोरेज। ठीक है, तो डाटा स्टोरेज के अंदर देखें हमने क्या किया, हम लोगों ने वो लास्ट जो एग्जांपल की थी एम्प्लॉयर वाली, उसमें हमने देखा था हम लोगों के पास दो चीज़ें थी, एक थे वीकली आवर्स कितना काम किया था, कितने नंबर ऑफ आवर्स पर वीक काम किया था, उसके बाद हम लोगों के पास पर आवर अमाउंट थी। ठीक है, तो हमें वो इन्फॉर्मेशन, वो डाटा दिया गया था, उस डाटा को अब हमने स्टोर करना था। तो स्टोर करने के लिए हमने देखा था हम लोगों के पास पहली चीज़ क्या थी, इंटीजर टाइप का डाटा था, तो हम क्या करेंगे उसकी टाइप लिखेंगे, लाइक मैंने वो इंटीजर टाइप का डाटा था उसकी टाइप लिखी इंट। अब उस डाटा को स्टोर करने के लिए मुझे एक वेरिएबल चाहिए, तो वेरिएबल का नाम मैं यहाँ पे लिखूंगा, लाइक वो था टोटल आवर्स, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ टोटल आवर्स। ठीक है, ये मेरे पास एक वेरिएबल आ गया, मेरे वेरिएबल का नाम क्या है, टोटल आवर्स, जिसकी डाटा टाइप क्या है, इंट। इसका मतलब ये है कि ये जो वेरिएबल है जो डाटा स्टोर करेगा वो किस टाइप का होगा, इंटीजर टाइप का। तो नेक्स्ट जो चीज़ थी वो थी हम लोगों के पास फ्लोट, जिसमें थी हम लोगों के पास पर आर पे, हम कह सकते हैं पे पर आर, ये C++ की स्टेटमेंट है, तो लास्ट वर्ड आप लोगों को सेमीकोलन नज़र आ जाएगा। अब ये देखें, मेरे पास दो पीस ऑफ डाटा था जिनको हमने स्टोर करवाना था। ठीक है, एक था इंटीजर टाइप का, एक था फ्लोट टाइप का, तो मैंने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया और एक फ्लोटिंग पॉइंट का डाटा टाइप का एक मैंने वेरिएबल ले लिया, ये दो मेरे वेरिएबल्स हैं। अब वेरिएबल मैं यूज़ क्यों कर रहा हूँ, डाटा को स्टोर करवाने के लिए। ठीक है, अब वो चीज़ जो मैंने पहले डिस्कस की थी कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी वैल्यू प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज होती रहती है उसको हम वेरिएबल कहते हैं। अब देखें, कंपनी में काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, तो ये प्रोग्राम सिर्फ हम एक एम्प्लॉय की पे कैलकुलेट करने के लिए तो नहीं ना बनाएंगे, तो हम इसको जनरलाइज करेंगे, हम इसको मल्टीपल लोगों की पे कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करेंगे। तो होगा क्या, सपोज करते हैं कि मेरे पास पहला एम्प्लॉय आया जिसने एक वीक में 7 आवर्स काम किया और जो उसकी थी पर आवर पे थी वो थी हम लोगों के पास $4। ठीक है, तो जो रिज़ल्ट आएगा वो होगा हम लोगों के पास कितना,
वो रिजल्ट आएगा हम लोगों के पास 28.0, ठीक है। इसकी पर वीक जो थी पेज थी वो हम लोगों के पास $28 आ गई है। अब क्या होगा, नेक्स्ट टाइम जब नेक्स्ट एम्प्लॉय आएगा तो मुझे उसकी पे देखने के लिए, अब उसने अगर सपोज करते हैं कि 8 आवर्स काम किया है तो मुझे 7 की ज़रूरत नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, इस 7 को यहाँ से डिस्कार्ड कर दूंगा। और सपोज उसने 8 आवर्स काम किया है तो मैं इस वेरिएबल में क्या स्टोर करवाऊँगा, 8 स्टोर करवाऊँगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसकी वैल्यू चेंज हो रही है हमारे पास। यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी है कि जो नेक्स्ट पर्सन है उसकी पर आर पे चेंज हो, अगर वो ज़्यादा सीनियर है या किसी अच्छी पोस्ट पे है तो उसकी पर आर पे ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर इस केस के मुताबिक हम लोगों के पास आती है $32.0, ठीक है। तो ये था वेरिएबल इंटीजर टाइप का, ये था फ्लोटिंग पॉइंट में, ठीक है, फ्लोट टाइप का वेरिएबल। तो ये जो दो डाटा टाइप्स थे, जो नेक्स्ट रिजल्ट आ रहा है वो भी हम लोगों के पास फ्लोट में है, तो इसको जब स्टोर करना होगा तो भी हम फ्लोट का ही वेरिएबल यूज़ करेंगे, ठीक है। वेरिएबल्स की तो अब पता चल गया कि ये हमने डाटा स्टोरेज के लिए इस्तेमाल करने थे, ठीक है। और ये जो नेम लिखे हैं मैंने, इनको मैं वेरिएबल कह रहा हूँ। अब होता क्या है कि जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो हम लोगों की जो मेमोरी है, हम लोगों की मेमोरी होती है सेल्स की फॉर्म में, ठीक है। सपोज करते हैं कि ये मेरे पास जो बॉक्सेस हैं, ये बॉक्सेस को हम अज्यूम कर लेते हैं कि हर एक बॉक्स एक सेल है। ये क्या है, ये एक सेल है, मेमोरी सेल, ठीक है। तो ये मेमोरी के ना डिफरेंट एड्रेसेस होते हैं हम लोगों के पास। एड्रेसिंग स्कीम हम लोग यहाँ पर अभी डिस्कस करने नहीं जा रहे, अभी तक सिर्फ इतना ही माइंड में रखें कि आप लोगों के पास ये डिफरेंट सेल्स हैं, हर सेल का डिफरेंट एक एड्रेस है। लाइक हम सपोज कर लेते हैं 0001 02 03 04 05 06 07 8 9 10 11। अब देखें, अब जब मुझे डाटा चाहिए तो मेरे पास दो ऑप्शंस हैं। पहली ऑप्शन ये है कि मैं डायरेक्टली उस एड्रेस पे जाकर मुझे जो डाटा मैंने यहाँ पर स्टोर किया था वो एक्सेस कर सकता हूँ। दूसरा ये है कि ये एड्रेसेस हम लोगों के पास इतने इजी नहीं होते जितने के यहाँ पे लिखे आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, ये काफ़ी कम्प्लेक्स एड्रेसिंग स्कीम होती है। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक वेरिएबल यूज़ करते हैं, एक नेम यूज़ करते हैं। ये नेम सपोज करते हैं कि मैंने टोटल आवर्स जो यूज़ किए 8, वो यहाँ पर चले गए, ठीक है। तो अब ये टोटल आवर्स किसको रिप्रेजेंट करेगा, इसके अंदर जो चीज़ है, जो एड्रेस है वो है 01, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी मैं इसको यूज़ करूँगा, इससे डाटा ड्राइव करने की कोशिश करूँगा या डाटा स्टोर करने की कोशिश करूँगा, तो मैं जो चेंजिंग करूँगा हमेशा वो इस एड्रेस पर होगी हम लोगों के पास, ठीक है। तो नेम्ड मेमोरी लोकेशन इसको इसीलिए कहा जाता है कि ये जो मेमोरी लोकेशन थी जिसका एड्रेस था, इस मेमोरी लोकेशन का 01, उसको हमने एक नाम दे दिया है टोटल आवर्स का, ठीक है। जब भी हम यहाँ पर कोई वैल्यू चेंज करेंगे तो वो इस एड्रेस पर वैल्यू चेंज हो रही होगी बैक एंड पे। तो अब इन नेम्स को लिखना कैसे है, किन रूल्स को फॉलो करते हुए लिखना है, वो अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि हम लोगों के पास रूल्स कौन कौन से हैं। C++ एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो इसमें जहाँ पर भी केस चेंज होगा आपके वेरिएबल का नेम चेंज हो जाएगा। लाइक अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक वेरिएबल है और ये पूरा का पूरा मैंने स्मॉल केसेस में लिखा है, तो ये आपके पास एक वेरिएबल है। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ और यहाँ पर मैंने इसका केस चेंज कर दिया, तो ये एक डिफरेंट वेरिएबल है, ये डिफरेंट वेरिएबल है। अगर मैं इस तरह से करता हूँ, ये मैंने अपर केस में लिखा है, यहाँ पर भी केस चेंज हो चुका है, तो ये तीनों डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस को ये पॉइंट करेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है कि C++ एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, जिसके अंदर आप ये केस को आप अपने माइंड में रखेंगे, जैसे ही आप केस चेंज करेंगे आपके वेरिएबल चेंज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज़ है, हम लोग क्या क्या यूज़ कर सकते हैं नेम में, वो है हम लोगों के पास, हम लोग कोई भी अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हैं, हम कोई भी नंबर यूज़ कर सकते हैं, और स्पेशल करेक्टर में हम लोगों के पास अंडरस्कोर आ जाता है, स्पेशल करेक्टर, ठीक है। अब इनको यूज़ कैसे करना है, अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स और स्पेशल करेक्टर्स को, यहाँ पर भी एक रूल है, वो ये है कि हमारा जो वेरिएबल का नेम है वो हमेशा स्पेशल करेक्टर से या अल्फ़ाबेट से यूज़ होगा। स्पेशल करेक्टर्स में मैं सिर्फ और सिर्फ अंडरस्कोर की बात कर रहा हूँ। अंडरस्कोर एक होती है हम लोगों के पास डैश, जो कि माइनस के साइन की तरह होती है, और आपका जो करेक्टर है उसके सेंटर में आएगी हमेशा, ठीक है।
और जो एक होता है आपके पास अंडरस्कोर, अंडरस्कोर हमेशा आपके करेक्टर के जो लोअर बाउंड होती है उसके साथ टच कर रहा होता है कि नीचे, ठीक है। तो ये आपको मोस्टली जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड्स हैं वहाँ पर जीरो के साथ मिल जाएगा, टॉगल की शिफ्ट को प्रेस करते हुए जब आप जीरो से नेक्स्ट की प्रेस करेंगे तो आप लोगों के पास अंडरस्कोर आ जाता है, ठीक है। स्पेशल करेक्टर्स में हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर वेरिएबल्स के नेम्स में अंडरस्कोर यूज़ करते हैं, ये बात आपने माइंड में रखनी है कि स्पेशल करेक्टर्स में हम लोग सिर्फ और सिर्फ अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं। आप अपने वेरिएबल का नेम अल्फ़ाबेट से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, और आप अपने वेरिएबल का नेम अंडरस्कोर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। लाइक मैं स्टार्ट करता हूँ जी, और देखें मैंने अंडरस्कोर यूज़ किया, ये मेरे वेरिएबल का नाम है, और मैं यहाँ पर इस तरह से डायरेक्ट अल्फ़ाबेट से भी स्टार्ट कर सकता हूँ, लेकिन मैं अगर इसमें नंबर यूज़ करना चाहूँ तो मैं इस तरह से यूज़ कर सकता हूँ, और 8, ये एक वैलिड है आपके पास वेरिएबल का नेम। लेकिन अगर मैं इस तरह से करूँ तो ये जो अप्रोच है ये मेरे पास गलत है, आपके वेरिएबल का नेम कभी भी डिजिट से या नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। तो आप लोगों ने क्या क्या माइंड में रखना है कि आपका जो वेरिएबल का नेम है हमेशा अल्फाबेट से स्टार्ट हो सकता है, अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है, नंबर आ सकता है लेकिन स्टार्टिंग में नहीं, दरमियान में कहीं पे आ सकता है। इसके अलावा आपके वेरिएबल में कभी भी स्पेसेस अलाउ नहीं है, ठीक है। अगर आप इस तरह से स्पेस दे के लिखेंगे, जैसे ये मैंने इसमें वेरिएबल में ये स्पेस दी है यहाँ पर, तो ये स्पेसेस अलाउ नहीं है आपके पास, ठीक है। चाहे वो आप यहाँ पे नंबर यूज़ कर लें, चाहे कोई और अल्फ़ाबेट यूज़ कर लें, तो आपके पास स्पेसेस अलाउ नहीं है, आपके बिगिनिंग में आपके पास नंबर अलाउ नहीं है आपको, और अंडरस्कोर के अलावा आप कोई भी स्पेशल सिंबल यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। और आपके पास जो लेंथ है वो 31 करेक्टर्स की है, कि आप किसी भी वेरिएबल्स की जो लेंथ है वो 31 करेक्टर्स रख सकते हैं, ठीक है। अगर आप 31 करेक्टर से एक्सीड करेंगे तो जो फर्स्ट 31 होंगे हमेशा वही कंसीडर किए जाएंगे, रिमेनिंग डिस्कार्ड कर दिए जाएंगे। तो ये थे कुछ रूल्स जो आपने माइंड में रखने थे। सबसे पहला ये था कि आप लोगों ने केस की सेंसिटिविटी को लाजमी देखना है, जैसे ही आप केस चेंज करेंगे आपके पास वेरिएबल का नेम चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट आप लोग अल्फ़ाबेट्स, नंबर और स्पेशल करेक्टर्स, जिसके अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ अंडरस्कोर की बात कर रहा हूँ कि आप लोग अंडरस्कोर ही यूज़ कर सकते हैं, डैश यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये डैश आप लोग नहीं यूज़ कर, सिर्फ और सिर्फ अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने वेरिएबल का नेम अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं, अल्फ़ाबेट से स्टार्ट कर सकते हैं, अगर नंबर लिखना चाहें तो दरमियान में या लास्ट पे आप लोगों को अलाउ है, लेकिन बिगिनिंग में नंबर अलाउ नहीं है, दरमियान में स्पेसेस अलाउ नहीं है आपके पास, आपका जो करेक्टर है उसकी लिमिट 31 करेक्टर, आपका जो वेरिएबल है उसके जो लेंथ है वो 31 करेक्टर्स की है, लिमिटेड है। एक और चीज़ माइंड में रखने वाली वो ये है कि आप लोग यहाँ पर कीवर्ड्स नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है, डू नॉट यूज कीवर्ड्स, कि आप लोग कीवर्ड्स नहीं यूज कर सकते। कीवर्ड्स या रिजर्व्ड वर्ड्स वो तमाम अल्फाज हैं जो कि लैंग्वेज के प्रोग्रामर्स ऑलरेडी इस लैंग्वेज में यूज कर चुके हैं और वो इसके एज अ बिल्डिंग ब्लॉक यूज हो रहे हैं और उनका कुछ स्पेसिफिक पर्पस और मीनिंग है आपके पास। लाइक हम लोग अपने प्रोग्राम में यूजिंग नहीं इस्तेमाल कर सकते, वेरिएबल का नाम यूजिंग नहीं रख सकते, वेरिएबल का नाम हम मेन नहीं रख सकते, ठीक है। केस सेंसिटिव है, मैंने आपको बताया आप मेन की जगह पर मेन लिख सकते हैं, ठीक है, ये वाला मेन आपको अलाउ नहीं है, ये यूजिंग आपको अलाउ नहीं है। हाँ, आप वो तमाम चीज़ें जो आपके पास डिफाइन की गई हैं आप उनका केस चेंज करके यूज़ कर सकते हैं। लाइक ये इंट आपके पास डेटा टाइप के लिए है तो आप ये इंट इस्तेमाल कर सकते हैं अपने एज अ कीवर्ड, ठीक है, केस चेंज कर सकते हैं आप, करेक्टर्स की अरेंजमेंट आगे पीछे करके आप लोग उनको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एज इट इज़ आप कोई भी कीवर्ड या रिजर्व वर्ड यूज़ नहीं कर सकते अपने प्रोग्राम में। तो ये थी चंद चीज़ें जो कि वेरिएबल के नाम चूज़ करते वक्त या लिखते वक्त आप लोगों को माइंड में रखनी चाहिए, ठीक है। अब रह गई हैं दो चीज़ें हम लोगों के पास कि वेरिएबल की डिक्लेरेशन क्या है और वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन क्या है, तो उनकी तरफ मूव करते हैं। वेरिएबल की जो डिक्लेरेशन है हम लोगों के पास, डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन का मतलब है डिक्लेयर करना। तो ये बात माइंड में रखनी है कि जहाँ पर भी प्रोग्राम में हम कोई भी वेरिएबल यूज़ करेंगे तो उससे पहले ज़रूरी है कि हम उस वेरिएबल को डिक्लेयर करें। हम अपने कंपाइलर को बताएंगे कि मैं अपने प्रोग्राम में ये फलां फलां वेरिएबल इस्तेमाल करूँगा और उसकी टाइप
ये होगी। लाइक अगर मैं एक मेन फंक्शन लिखता हूँ इंट मेन, इसमें मैंने क्या करना है, मैंने कोई वेरिएबल यूज करना है। लाइक मैं कर देता हूँ सी आउट, हाँ मैंने एक वेरिएबल था उसको मैंने सी आउट किया यहाँ पे, लेकिन इस वेरिएबल को अभी तक मैंने डिक्लेयर नहीं किया कहीं पे भी, ठीक है। तो सबसे पहली चीज जो मुझे माइंड में रखनी है वो ये है, जब मुझे पता है कि मैंने इस वेरिएबल को इस्तेमाल करना है तो मैं सबसे पहले इसको क्या करूँगा, डिक्लेयर करूँगा। ये मैंने डिक्लेयर कर दिया और डिक्लेरेशन में मैं इसकी डाटा टाइप भी बताऊँगा, ये मस्ट है डाटा टाइप आपके पास, ठीक है, कि आपने इसकी डाटा टाइप बतानी है डिक्लेरेशन में। और इसके अलावा अगर कोई वेरिएबल है लाइक फ्लोट है आपके पास, उसमें आपके पास पे आ जाती है आपकी, तो आपके पास ये इसकी डाटा टाइप है, ठीक है। तो ये चीज़ क्या कहलाती है, ये चीज़ डिक्लेरेशन कहलाती है हमारे पास, कि हमने डिक्लेयर किया कि मेरे पास एक वेरिएबल है जिसका नाम है और उसकी डाटा टाइप है इंट। अब आगे जहाँ पर भी मैं इस वेरिएबल को इस्तेमाल करूँगा, इसमें जो भी डाटा स्टोर करवाऊँगा वो होगा मेरे पास इंटीजर टाइप का, ठीक है, और वो इसको खुद ब खुद पता चलेगा। लेकिन मैं इसमें फ्लोट भी स्टोर करवा सकते हैं, वो एक स्पेशल केस है, वो हम टाइप कास्टिंग में पढ़ेंगे, ठीक है। ये थी आप लोगों का डिक्लेरेशन का कंसेप्ट कि वेरिएबल्स को डिक्लेयर कैसे करते हैं, कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, वेरिएबल का नाम लिखते हैं, स्टेटमेंट टर्मिनेटर, और हमने जिस टाइप का डाटा इसमें स्टोर करवाना है वो हम डाटा टाइप यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये चीज़ हमारी कहलाती है डिक्लेरेशन। तो जो नेक्स्ट चीज़ है वो है हम लोगों के पास इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन ये होती है कि बिगिनिंग में हम लोग जब कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो कंपाइलर जो है हमारा वो क्या करता है, इनको ज़ीरो से इनिशियलाइज करवा देता है। इनिशियलाइजेशन का मतलब ये है कि जो इनिशियलाइज्ड वैल्यू होगी हमारे वेरिएबल्स की वो क्या होगी, वो बाय डिफ़ॉल्ट ज़ीरो होती है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर अपनी कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। इनिशियलाइजेशन के हम लोगों के पास दो मेथड हैं। पहला मेथड ये है हम लोगों के पास कि मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया यहाँ पर टाइम का, ठीक है, ये मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और अब इसमें मैं जब ये मेरी डिक्लेरेशन थी, जब इनिशियलाइजेशन करवाऊंगा तो मैं इसमें क्या स्टोर करवा देता हूँ, मैंने क्या स्टोर करवाया, 10 इसके अंदर स्टोर करवा दिया, यहाँ पर मैंने इसको इनिशियलाइज करवा दिया। इनिशियलाइज्ड ये मैंने वेरिएबल इनिशियलाइज करवा दिया, ये था पहला मेथड कि मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, बाद में मैंने उसको इनिशियलाइज करवा दिया, बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू क्या थी इनिशियलाइजेशन में, जीरो। अब मैंने उसकी वैल्यू को चेंज करके क्या कर दिया है, 10। तो अब ये जो इनिशियल वैल्यू होगी इसकी वो क्या होगी, 10, जहाँ पर भी मैं इसको इस्तेमाल करूँगा वो वैल्यू क्या आएगी, 10। दूसरा मेथड ये है कि जब मैं इसको इनिशियलाइज डिक्लेयर कर रहा था उसी टाइम ही अगर मैं इसको कोई वैल्यू दे दूँ तो ये एट अ टाइम क्या हो रही है, ये इतना जो मेरा पोर्शन है ये चीज़ मेरी डिक्लेरेशन है और ये जो मेरा पोर्शन है ये मेरी इनिशियलाइजेशन है। तो एट अ टाइम यहाँ पर डिक्लेरेशन भी हो रही है और इनिशियलाइजेशन भी हो रही है। तो यहाँ दो कंसेप्ट थे, आप इन दोनों में से कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन के लिए, ठीक है। तो ये थी हम लोगों की आज की क्लास, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो काइंडली इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स के साथ भी लाजमी शेयर करें ताकि दूसरे फ्रेंड्स का भी फ़ायदा हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अल्लाह हाफिज़।